जी, आज आपने कुछ शिलान्यास किया है, क्या था जो जिसका शिलान्यास हुआ है? आज यहाँ पे घारी घाट के बहुत पुराने पुल की डिमांड थी। आदरणीय विधायक जी ने एक बहुत लंबी सड़क जो हमेशा टूटी रहती थी उसको बनवा दिया था टू लेन, लेकिन क्योंकि पुराना पुल था और इस पर एक ही गाड़ी पास हो जाती थी तो सारा जाम यहाँ लग जाता था। ये प्रभात जी ने, विधायक जी ने बहुत मेहनत करके इस पुल को भी यहाँ प्रदेश सरकार से पास कराया है, वो पुल बनने जा रहा है, डबल लेन पुल रहेगा, यातायात में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी पुल का शिलान्यास माननीय विधायक जी हम लोगों ने आज मिलकर किया है क्षेत्र की जनता के साथ। जिस तरीके से आपने और विधायक प्रभात वर्मा जी ने क्षेत्र का विकास किया है, क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं जनता आपको इस बार जो है कितने मतों से जो है विजय बनाने वाली है? अब देखिए, मैं केवल एक चीज़ कह सकता हूँ कि ये जो रिजल्ट निकलेगा वो केवल यहाँ की बात नहीं, पूरे देश में का जो रिजल्ट रहेगा वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला रिजल्ट रहेगा। क्योंकि हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो आज की नई पीढ़ी है, जो नवयुवक हैं, जो आज पहली बार वोट देने जा रहे हैं, 18 साल के जो हुए हैं उनके वोट बने हैं, वो लोग बहुत ढंग से परख के देख के वो लोग अपना वोट का मत का प्रयोग करते हैं। आज की जनता हमारी ये पूरे देश की जागरूक हो चुकी है, उनको असली विकास का मतलब समझ में आ गया है, उनको कहाँ फ़ायदा है कहाँ नुकसान है ये वो लोग समझ गए हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, छोटी से छोटी चीज़ पूरे लोगों में प्रचलित हो जाती है। तो आप देखिएगा, जितना हम लोग भी सोच रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आने वाला। तो सांसद जी ये बताइए, एक सेकंड सांसद जी ये बताइए, आज शिलान्यास हुआ है, इससे पहले भी शिलान्यास हुआ था, ये शिलान्यास और वो शिलान्यास में फ़र्क क्या है? देखिए, ये जो आपका सवाल है ना, इस पर अभी हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन केवल एक चीज़, छोटी चीज़ हम कहेंगे कि वादा निभाने के लिए भी किया जाता है और वादा गुमराह करने के लिए और बेवकूफ़ बनाने के लिए भी किया जाता है, झूठ बोलने के लिए भी किया जाता है, यही फ़र्क है दोनों। कुछ बता दीजिए, बहुत सारे शिलान्यास हुए थे पहले, तो जनता सर पीट रही है शिलान्यास पे। देखिए, हम लोग अपनी बात करो ज़्यादा ठीक है, बाकी जनता तो जानती ही है कि किस तरह फैक्ट्री के नाम पे, नौकरी के नाम पे चंद दलालों द्वारा पैसा वसूला गया, इस क्षेत्र से वसूला गया। और यहाँ जो आज की परिस्थिति है, इस परिस्थिति यहाँ पे तीन बार आ चुकी है, एक बार 2009 में जब इसी तरह झूठे वादे के बल पर लोग जीत के चले गए थे, लेकिन हमारी जनता भोली भाली ज़रूर है लेकिन ना समझ नहीं है, दोबारा आए और चौथे नंबर का स्थान प्राप्त करके गए हैं, फिर आए हैं, फिर जनता उनको क्या नंबर हो नंबर बता दें, फिर जनता उनको वो जो यहाँ छल हुआ है, धोखा हुआ है, लोग बहुत सारी बातें कहते थे कि रोज रहेंगे जनता के बीच में, ये करेंगे वो करेंगे, जो आज भी कहा जा रहा है, फिर से कहा जा रहा है, उसी को दोहराया जा रहा है, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि जनता ये सब देख चुकी है, कितना रहे 5 साल, कितना उपलब्धता रही जनता के बीच में, कितना काम किया, कितनी जनता के लिए चिट्ठियां लिखी गईं, कितनी समस्याएं दूर हुई। भाई, वो तो एक बहुत बड़े पद पे थे, सरकार थी, केंद्र सरकार थी, कैबिनेट मंत्री का पद था। ये जो उथरौला वाली रेल रोड है क्यों नहीं बनवा पाए, क्यों नहीं यहाँ बिजली घर बनवा पाए, क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज सेट कर पाए, क्यों नहीं यहाँ की सड़कों का उद्धार हो पाया, क्यों नहीं जो जनता की आम समस्या थी उस पर कोई विचार हुआ, कौन सी ट्रेन रुकवा पाए। आज आपके यहाँ केवल मस्केनवा, केवल गोंडा में 10 करीब, जहाँ तक हम तो भूल जाते हैं गिनती, मस्केनवा में 5 ट्रेन, बबनान में 3-4 ट्रेन, लखनऊ ये गोंडा में 2 ट्रेन, मनकापुर में 2 ट्रेन, बताइए एक चिट्ठी लिखने पे काम होता है, यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है इस जनता के लिए। ना हम लोग कैबिनेट मंत्री हैं, ना विधायक जी मंत्री हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हर जनप्रतिनिधि का उतना ही महत्व है, अगर वो जनता का काम लेके जाता है, जन समस्या लेके जाता है, तो उतनी ही तेज़ी से काम होता है जितना अगर हम मंत्री होते तो काम होता, अगर कोई मंत्री होता वो काम होता। अखिलेश यादव जी कहते हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं कि सड़क, बिजली, पानी, विकास के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर पेपर लीक हो जाते हैं, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, पढ़ाई का मतलब क्या रहा अगर रोजगार। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पेपर लीक हो गया तो दोषी पकड़े गए,
लेकिन उनके समय में तो सीधे पैसे दे के नौकरी मिलती थी। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, जिस नौकरी को हाईकोर्ट ने रद्द किया था, पूरे पुलिस की नौकरी थी, किस दो जिले के, तीन जिले के सबसे ज़्यादा उसमें पाए थे, क्या हुआ था? आज ये लोग जहाँ सुधारा भी जा रहा है तो उस पर भी उंगली दिखाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि लौट घूम के उन्हीं के ऊपर बात आएगी कि आज ये सुधार हो रहा तो ये लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा भैया धनंजय, ये इम्तिहान के नाम पर साधारण इम्तिहान, कितनी बार हमारे नौयुवकों ने कितनी बार जगह जा जा जाके उसी पद के लिए इम्तिहान दिया, पैसे दिए। मैं व्यक्तिगत एक लड़के को जानता हूँ जो पहले यहाँ पे कौन सा TET का इम्तिहान था, कौन सा दिया, तीन बार बेचारे, क्योंकि सरकार, यही सरकार अखिलेश यादव की सरकार, अपनी पॉलिसी बदलती गई, 3-4 बार उसको जगह जगह जाके इम्तिहान देना पड़ा, नौकरी नहीं मिली, उसका घर के 75,000 रुपये उस समय में खर्च हो गए। आपके आपके पार्टी के बड़े नेता नितिन गडकरी को उद्धव ठाकरे ने ऑफर दे दिया। देखिए ये बड़े लोगों की उच्च स्तरीय बातें हैं, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, ना मैं वहाँ पे हूँ, ना मैं उस पर कुछ बोलने के लायक हूँ, ना मैं अधिकृत हूँ पार्टी की तरफ से कि ऐसे जो राजनीति में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ भी गठबंधन हो रहा है उस पर मैं नहीं बोलूँगा। मैं ये जानता हूँ कि जो जिम्मेदारी जनता ने हमारे और विधायक जी के ऊपर सौंप रखी है, और जो जिम्मेदारी पार्टी ने विधायक जी हमारे ऊपर सौंप रखी है, उस जिम्मेदारी को पूरा करना है, और वह कैसे किया जा रहा है उसमें हम लोग लगे हैं। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह का टिकट कटता है तो पार्टी दूसरे पार्टी निर्दलीय लड़ने की घोषणा करते हैं, दूसरे दिन को सजा हो जाती है। इस समय ट्विटर पर उनके समर्थन में, धनंजय सिंह के समर्थन में तमाम चीज़ें चल रही हैं। टेलीविजन चैनल पर भी आ रहे हैं कि क्षत्रियों की आबादी वास्तव में 7-8% है, लेकिन अगर क्षत्रिय एकमुश्त भाजपा के साथ कुछ छोड़ करके कहीं अलग गया तो चुनाव परिणाम 30-32 सीटों पर एक चौंकाने वाले होंगे। इस डैमेज कंट्रोल को कैसे रोक? देखिए इसके जवाब, छत्री की बात कर रहे हैं तो आपको छत्री का मतलब समझना है कि छत्री वोट आया कहाँ से, है ना? छत्री का जब यहाँ पे हमारे इस समाज में सैकड़ों सालों पहले जब ये व्यवस्था कायम हुई तो व्यवस्था पैदाइशी नहीं थी। जो पढ़ाई लिखाई करता था ज्ञानी होता था, वो ब्राह्मण होता था, जो व्यवसाय करता था वो व्यवसायिक होता था, जो लड़ता था वो छत्री कहलाता था। छत्री का काम है सुरक्षा प्रदान करना, और आप अगर सोचते हैं कि अगर किसी को किसी जुर्म अगर सजा हो रही है तो बाकी सब विरोध में खड़े हो जाएंगे, ये ऐसा नहीं होना। यहाँ इस देश की सुरक्षा की बात हो रही है, यहाँ इस समाज की सुरक्षा की बात हो रही है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार, कोई पार्टी नहीं दे पाई है। तो केवल छत्री नहीं, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ आज खड़ा हुआ। सांसद जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि मोदी जी ने राष्ट्रहित में, समाज हित में, जनहित में तमाम सारे काम किए, उनको इस बार मेहनतानी के रूप में एक एक वोट देना चाहिए, तो श्रेया वर्मा को लोग क्या दें? देखिए उनको, अब देखिए मैं किसी और की बात नहीं बता दीजिए, वो भी प्रत्याशी है आपके, मतलब जो है पैरेलल है, बात देखा जाए। नहीं नहीं, क्या देना चाहिए बता दीजिए कम से उनको क्या। देखिए वो एक महिला है, यहाँ आई है, कहाँ से आई है? एक यहाँ आई है, यहाँ से भी आई हूँ, यहाँ की तो नहीं है, एक पार्टी के प्रत्याशी बन के आई हैं, उनका स्वागत है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर एक को लड़ने का अधिकार है, अपना दावा पेश करने का अधिकार है, वो उनका अधिकार है। लेकिन ये हमारा परिवार है, जनता है, वो भी उस उनके पास भी अधिकार है, उनके पास भी सोचने समझने की क्षमता है, उनके पास भी जिम्मेदारियाँ हैं, तो ये अपना अपना सोच है, वो अपना कुछ सोच विचार करके आए होंगी, लेकिन जहाँ तक जनता की सोच है, इनके मन में क्या हो, मैं बहुत अच्छी जा जाता हूँ। नहीं, आपको ये कहना, दोबारा उस पार्टी को ये जनता नहीं लाएगी जिन्होंने छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक केवल गुंडई, भ्रष्टाचार बढ़ाने के अलावा कोई और नेक काम नहीं किया है, और ख़ास करके यहाँ बमनजोत है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ की दर्जी कुआं से लेकर बबनान की सड़क की सालों सालों की मांग थी। मैंने भी उस समय आदरणीय जो PWD मंत्री थे, मैं नाम नहीं लूँगा, 8-10 बार गए, 3 बार उस सड़क का टेंडर हुआ,
और हम लोग भी खुश आते थे कि सड़क बन जाएगी। यहाँ की जनता जो मां कितने साल से त्रस्त थी, उनको इस दिक्कत से निजात मिलेगा। लेकिन तीन बार टेंडर होने के बावजूद तीनों बार टेंडर इसलिए कैंसिल हुए क्योंकि ठेकेदारों से कमीशन नहीं तय हुआ। और ये बात इस इलाके के, इस क्षेत्र के हर एक व्यक्ति को पता है, हर एक व्यक्ति। तो जो आज विकास की बात कर रहे हैं उनको बात करने से कोई रोकेगा नहीं। हम लोग सब हैं भाई, आप अपना बात कहना चाहते कहिए, लेकिन किसकी बात में कितनी सच्चाई है, कितना सत्य है, वो हम लोग सब जानते हैं। क्या लगता है कि इस बार कोई जातीय समीकरण पर चुनाव होने वाले हैं? देखिए, मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेकर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने गैस कनेक्शन बांटे, हम लोगों ने सौभाग्य योजना में बिजली कनेक्शन बांटे, हम लोगों ने जो घर बने हैं उसका सर्टिफिकेट दिया है, आयुष्मान कार्ड बांटे हैं। एक चीज़ बहुत अच्छा रहा है कि कहीं भी हमारी पार्टी में कोई भी, चाहे धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, कोई भेदभाव नहीं है। ये हम लोगों को अच्छी तरह पता है। हम लोगों की पार्टी की सोच है कि जब हम लोगों का समाज एक रहेगा तभी हम लोग मजबूती से आगे बढ़ सकेंगे। और समाज को एक रहने में, चाहे दलित हों, चाहे शोषित हों, कोई भी हों, सबके लिए उतनी ही मेहनत की जा रही है। और ख़ास करके जो हमारा पिछड़ा वर्ग है उनके लिए, ख़ास करके उनको समान पायदान पहलाने के लिए तमाम अलग योजनाएं बनाई जा रही हैं और सबका सम्मान बढ़ाया जा रहा है। अम्बेडकर साहब का अगर इंग्लैंड में घर है तो उसको भी लेकर, उसको भी पूरा बढ़िया ढंग से उसको रखा गया है। उनके नाम पे दिल्ली में भवन बनाया गया है। इस तरह हर वर्ग के सम्मान को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस देश को आज़ाद करने में तमाम छोटे छोटे राज थे, तमाम रानियां थी जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, त्याग दिया था अंग्रेज़ों से और बाहरी हुकूमतों से लड़ी थी, मुगलों से लड़ी थी, लेकिन उनका आज तक इतिहास में कोई नाम लेने वाला नहीं था। आज उनके नाम पर मूर्तियाँ बन रही हैं, उनके नाम पर सड़कें बन रही हैं, उनका नाम माननीय प्रधानमंत्री जी खुद लेते हैं, उनके नाम पे तमाम जो हमारे बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं उनके नाम पे पुरस्कार बांटे जा रहे हैं। यह हम लोगों का जो गौरवशाली इतिहास है, जो अभी तक कांग्रेस पार्टी ने छुपा रखा था, दबा रखा था, उसको हम लोग उभार के ला रहे हैं कि हम लोगों को अपने देश का जो गौरव रहा है वो हम लोगों को पहचान रहा है और उसी लाइन पर हम लोग आगे बढ़े। दोबारा ये देश सोने की चिड़िया जैसे एक आखिरी ओपी राजभर कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। ये कल तक, कुछ दिन पहले भाजपा का बाजा बजा रहे थे, आज वो कैबिनेट मंत्री हो गए। सदबुद्धि आ गई। अच्छा सर, ये पीडीए जो है, पीडीए उत्तर प्रदेश में कितना चैलेंज देगा भारतीय जनता पार्टी? भाई पीडीए तो हम जानते भी नहीं क्या है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक क्या कोई पार्टी है, कोई दल है, कोई राजनीतिक वो संगठन है? ऐसे तो लोग सब कुछ भी ऐलान करते हैं, वो तो समय बता देगा। आज सबसे मजबूती हमारी पार्टी की सभा वाले हैं, अब के एमएलसी सी खो जाते हैं। चलिए सर, थैंक यू। अभी हम वो उसको नहीं, अभी हम वो फैक्ट्री वाले पर इस पर अभी हम नहीं ज़्यादा बोलना चाहते हैं।